I'm doing today. I'm doing white color food challenge. अभी बज रहे हैं 10:45 और आप सोचते होंगे मैं 9:30 बजे का उठी हूँ और almost 1 hour 15 minutes हो गया और मैंने अब तक कुछ खाया क्यों नहीं. So basically मैं वीडियो एडिट कर रही थी. So जब मैं काम कर रही होती हूँ तो मुझे इतना like भूख का ये नहीं रहता है. So yes फिर मैं उठी वीडियो एडिट करने के बाद and then मैंने ब्रश किया and yeah कोलगेट भी वाइट था बट मैंने नहीं दिखाया वरना फिर सब कमेंट करते हो येलो डे के दिन आपने कौन सा कोलगेट यूज़ किया था. फिर सो अगर आपको नहीं पता आई लव हैविंग मिल्क इन द मॉर्निंग एंड ये इट्स वाइट कलर. सो या यू कैन सी इट्स वाइट. थैंक यू मिल्क फॉर बीइंग इन दिस चैनल. सो या आई विल बी हैविंग मिल्क राइट नाउ एंड देन मुझे और भी थोड़ा एडिटिंग करना है बट मैं शूट कर लेती हूँ आप सबको दिखा के बट मैं अपने फ़ोन से ही शूट करती हूँ सो इसलिए मैं नहीं दिखा पाऊँगी. और हाँ इसमें मैंने थोड़ा सा शक्कर मिलाया है ऑफकोर्स वो तो कलर चेंज नहीं करेगा. सो या बॉर्निटा मिला दी तो ब्राउन हो जाता तो वो ब्राउन डे के दिन काम आया. तेरी बंदी मेरी तू है मेरा साला और पूरी इंडिया में बेटा फैला मेरा जला और फोटो पे चढ़ाओ तेरी फूल वाली माला अभी खा लो जितना खाना छीनने वाला है निभाला क्योंकि अभी तक जो भी सुना तुमने वो फ्रॉड है. घर चलो बेटा यहाँ मेरा नहीं तोड़ है भाई तेरा इंडिया में रैप करे हिंदी वाला तुम्हें लगा बस एमिनेम में रैप गॉड है. सो आई एम फील्ड राइट नाउ. चलो मुझे थोड़ा सा एडिटिंग बाकी है तो मैं वो कर लेती हूँ देन आपको थोड़ी टाइम के बाद मिलूंगी. गाइस क्या आपने देखा कि कितना यमी यमी मेरे घर में पकोड़े बन रहे हैं बट मैं नहीं खा सकती. ये क्या है ये कैसा चैलेंज है बट इसके लिए आपको एक लाइक तो देना ही पड़ेगा कि मैं कैसे खुद को कंट्रोल कर रही हूँ मुझे ही पता है. वो खुशबू यहाँ तक आ रही है किचन में से मेरे रूम में. ओके सो आई हैव टू डू एडिटिंग. इट्स जस्ट 10:53 राइट नाउ. मैं कप रखने गई थी तब मैंने देखा आंटी बोलती है खा लो. मैं बोली कपड़े देख रही हो वाइट ये मुझे याद दिलाता है कि मुझे सिर्फ वाइट खाना है. गाइज अभी हो रहा है 11:20 और मैंने अभी वीडियो अपलोड किया उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स डाले एंड थंबनेल एडिट किया फिर उसे अपलोड किया. सो क्या वो वीडियो है इंस्टाग्राम अनबॉक्सिंग ऑफ ब्राइडल ज्वेलरी सेट. सो अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा लिंक. आप लोग डेफिनेटली जाकर चेक करना इट्स वेरी अफोर्डेबल गाइज प्लस A1 क्वालिटी एंड या बहुत सारी उसकी फीचर्स हैं तो आप लोग जाके वहीं पर देखना. सो आप चलो मैं कुछ खाती हूँ एंड लेट्स सी व्हाट वाइट वी हैव इन आवर किचन. गाइज इट्स 11:30 और अब हम खाएंगे वाइट ब्रेड. ब्राउन ब्रेड इज ज़्यादा अच्छा बट आज वाइट है तो वाइट ब्रेड. हाँ मैं इसका साइड का कट करूँगी इसके साथ मैं खाऊंगी चीज. मेरे घर में सारे चाकू ऐसे ही है आई जस्ट कट इट ऑफ. सो ये आप देख सकते हो इट्स वाइट कम्प्लीटली. अब दो ब्रेड के बीच में डालूंगी ये चीज स्लाइस और इस दो ब्रेड के बीच में लगाऊंगी बटर एंड थोड़ा सा शक्कर शुगर. And guys, it's absolutely white. It's not yellow or any beige or any color. So you can say it's white. So yeah, it's done. And we will just place this on that. एक तो हो गया अब एक मैं prepare करके आती हूँ. So yes, bread पर एकदम थोड़ा थोड़ा butter लगा है ताकि ये color change ना हो. And इसमें sugar डाला है. क्या आप भी ऐसा खाते हो? Please let me know. I love cheese, guys. Like. कमेंट करके बताओ कि क्या आप भी ब्रेड बटर या फिर शुगर ऐसे खाते हो. सो अगर खाते हो तो कमेंट करके जरूर बताना. और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद लाइक वो मीठा और वो ऐसा थोड़ा टेस्ट बहुत अच्छा लगता. राइट नाउ और मैं अपना वीडियो का प्रिपरेशन कर रही हूँ. सो बेसिकली जब मैंने येलो फूड चैलेंज किया था तब मैंने कुछ वीडियो शूट नहीं किया था. इट वॉज जस्ट द व्लॉग ऑफ द डे बट टुडे आई विल बी शूटिंग अ वीडियो सो सिनेरियो विल बी डिफरेंट. सो या अभी मैं वीडियो की तैयारी करने जा रही हूँ पर अगर उसके बीच में मुझे भूख लगा देन आई विल मीट यू विद द वाइट फूड. गाइस इट्स 1:20 राइट नाउ एंड आई एम गोना हैव माय लंच. सो दिस इज कर्ड विदाउट शुगर और
salt. And then this is rice. So इसमें मैंने घी और थोड़ा सा नमक डाला है. और मेरे पास कुछ भी नहीं था. So I'm gonna have this. I'll just mix this and I'll have this. और मेरे सारे मेकअप चैलेंज के लिए प्रोडक्ट्स इधर रखे हुए हैं. So yeah, you can see I'm ready for the day. It's yum. यार कैमरा में दिखाना इट्स डिफिकल्ट. Not the best food compared जो घर में बना है, but यार ठीक है, we can work with this. At least पेट तो भरेगा इससे, भूखा नहीं रहना पड़ेगा. सो गाइज, राइस और दही खा लिया है मैंने. इट्स 140 राइट नाउ. और अभी पेट तो बहुत ज़्यादा ही भरा हुआ है, बिकॉज ब्रेड भी जाकर पेट में ऐसे फुलाता ही है और राइस खाया है तो वो तो फिलिंग होता ही है. सो अब मैं बैठने वाली हूँ शूट करने के लिए वीडियो. सो लेट्स सी ये कब तक फिनिश होता है. एंड देन मुझे 4 बजे लाइव में जाना है. सो यार आई एम डन विद माय मेकअप एंड इट्स 3 o'clock राइट नाउ. सो मुझे इतना टाइम लगा ये मेकअप लुक बनाने में. इट्स अ मेकअप चैलेंज. सो आई थिंक यू विल डेफिनेटली लव इट. और आई डोंट नो कौन सा वीडियो पहले जाएगा. सो या लेट्स सी. मुझे इतना भी भूख नहीं लगा है बट या अब हो रहे हैं 3:17 राइट नाउ. और मैं टिकटॉक वीडियोस बना रही थी. सो अगर आप मुझे टिकटॉक पर फॉलो नहीं करते तो यहाँ पर आप फॉलो कर सकते हो. सो फिलहाल के लिए मुझे लगा है छोटी सी भूख. लाइक पता नहीं आज इतना ज्यादा भूख ही नहीं लग रहा है क्योंकि मैं आज वीडियो भी बना रही थी. सो मुझे वो वीडियो का क्रेज रहता है कि बनाना है, खत्म करना है एंड ऑल दैट, वैसा होता है. सो इसलिए भूख ज्यादा नहीं लगता है. अगर आप कुछ काम करते रहो तो आपको इतना भूख नहीं लगेगा. हाँ खाली बैठे रहोगे तो दिन भर घर में भूख ही लगेगा. सो अब इस छोटी इसी भूख को मिटाने के लिए फिर से भूख हम खाएंगे चीज स्लाइस. तो क्या आप भी ऐसे चीज स्लाइसेस खाते हो? सो मुझे तो ऐसे खाना बहुत ज्यादा पसंद है. और इसको ऐसे निकालने के बाद तो हमें क्या फीलिंग आती कि वाह, ना जाने क्या अचीव कर लिया है जिंदगी में. चीज इज समथिंग आई लव अ लॉट. सो ये मेकअप की वीडियो ऑलरेडी कल अपलोड हो गई है. सो अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो मैं लिंक कर दूंगी, आप लोग प्लीज जाके चेक करना. सो अभी हो रहे 3:21. 4 मिनट में मैंने आपसे बकबक भी किया और चीज स्लाइस भी खा लिया है. हाँ 4 बजे मुझे लाइव जाना है मेरे सोशल मीडिया ऐप पर. सो आई गेस मुझे इसके पहले कुछ खाना पड़ेगा. तो चलो अभी कुछ खाते हैं. सो या गाइस, द बनानाज आर हियर. इसमें मैंने लिया है दूध और शक्कर. सो अब मैं डालूंगी इसमें बनानाज. आप सबको ऑलरेडी पता है कि मैं क्या खा रही हूँ और दिखाने गई तो सब गिर जाने वाला है. सो यस लेट्स हैव. इट्स वाई फॉर यमी. I love it. So, ये जो मैंने बनाया है इससे आपका पेट बहुत अच्छे से भर जाएगा एंड ये वेट गेन के लिए बहुत अच्छा है, जो कि मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बट कभी काल मैं खा लेती हूँ. बट आप इसे अगर रेगुलर खाओगे तो इससे वेट गेन बहुत अच्छे से होता है. एक तो 1 bowl मिल्क, ऊपर से 2 bananas. पेट बहुत ज्यादा भर गया मेरा. आई एम सो टायर्ड राइट नाउ. माई बैक इज हर्टिंग बिकॉज मैं कब से बैठी हूँ एंड माई बैक इज हर्टिंग ऑल ऑट. सो मैं अभी थोड़ा रेस्ट करूंगी. अभी 3:40 हो रहा है. बैक टू द रियलिटी नाउ एंड इट्स 5:30 राइट नाउ. अब आपको पता है मेरे खाने का टाइम हो गया है. सो चलो. So, आज हम बनाएंगे व्हाइट पास्ता. चलो लेट्स मेक इट. दिस इज आल्सो फ्रॉम मैगी. लेट्स गो एंड मेक इट फास्ट. लास्ट टाइम आपने डिसअपॉइंटमेंट. मैं इसमें थोड़े से और भी चीजें ऐड करूंगी. सो यस मैं आपको दिखाऊंगी जो इसको थोड़ा सा और व्हाइट बना देगा. मेयोनीज एंड देन चीज स्लाइस एंड एवरीथिंग. या खाने में क्या है मामा? क्या चाहिए बताओ. मिस ड्रामा पास्ता. वो देखो बाहर का नाश्ता.
अब मैं ये मेयोनीज ऐड करूँगी. आई थिंक वन स्पून इज गुड. वन चीज स्लाइस अंदर. गाइस सो आवर पास्ता इज रेडी. इट्स प्रीटी गुड वाइट इन कलर एंड या लेट्स हैव इट. इट्स सो यमी. Let's go for some evening walk and let's buy some things for the night. I'm sure ek cheez aapko pata hi chal gaya hoga ki main kya khareedne ja rahi hu because I buy the same thing in yellow color food challenge as well. Hum ja rahe hain bhai ka birthday cake lene ke liye. Birthday tha 28 July ko but aaj Nag Panchmi hai aur uska second birthday is Star birthday to hum celebrate karte hain. So abhi main ye white khane wali hu kyunki aaj Nag Panchmi hai to ye lava hai jo hum chadhate hain bhagwan ko ise hi khaungi. You have thick cream. मेरे साथ साथ सब वाइट फूड चैलेंज कर रहे हैं. यस सो जैसे कि आपने देखा मैंने जस्ट अभी लस्सी पिया विच वॉज यम्मी. सो इट वॉज टू गुड. अभी हो रहा है 8:11 एंड पता नहीं मुझे थोड़े सा नमकीन खाने का मन कर रहा है. लाइक समथिंग सॉल्टी ये समथिंग स्पाइसी बट कम होता है कि मुझे भूख नहीं लगती है. सो आज आई डोंट नो मैंने बहुत ज़्यादा ही हैवी चीज़ें खाई है जैसे चीज़ हो गया पास्ता एंड देन लस्सी पी लिया. सो मुझे भूख तो नहीं लगी है बट लेट्स सी. अगर भूख लगता भी है तो आई हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस इन माय होम टुडे बिकॉज आज नागपंचमी है तो खीर भी बना है और पूरी वगैरह तो मैं खा नहीं सकती ऑफकोर्स बट खीर है एंड देन मैंने पेस्ट्री भी लाया है आप सबने देखा. और अगर ऐसे कुछ नमक का खाना होगा तो ऐसे इडली पेस्ट भी है तो मैं डोसा बना के फिर इडली बना के खा सकती हूँ. सो ऑप्शन तो काफ़ी सारे हैं बट लेट्स सी अभी 9:33 हो रहा है क्या मन करता है सो उस हिसाब से होगा. ओके सो गाइज इट्स 10:30 एंड आज मुझे इतना भूख नहीं लगा है. आई एम जस्ट गोना हैव दिस खीर. ये प्लेन वाइट इन कलर है और ये थोड़ा सा लाइक वाइट में बेजिश ऐसा कलर हो गया है बिकॉज मॉम ने इसे थोड़ा फ्राई किया. जैसे ही मैंने देखा आई जस्ट स्टॉप्ड कि नहीं मुझे ऐसा ही चाहिए तो या मैं ये थोड़ा सा खाऊंगी. इतना तो खाऊंगी नहीं बस मैंने ले लिया है. Cheer is yummy. पता नहीं व्हाइट कलर देख देख के आज एकदम ही फीकापन का ऐसा महसूस हो रहा है मुझे जबकि मैंने टेस्टी फूड वगैरह सब खाया है पास्ता वगैरह सब खाया है चीज़ वगैरह बट वाइट कलर देख के अब एकदम मन मेरा उब गया है बोल देते हैं ना वैसे. मुझे तो लग रहा है मेरा खून भी सफ़ेद कलर का हो गया है. सो या गाइस 10:30 हो रहा है. आई डोंट नो अगर मैं वो पेस्ट्री खाऊंगी कि नहीं. अगर खाऊंगी तो मैं डेफिनेटली शूट करूंगी बट अगर नहीं तो मैं अभी आउटरो दे देती हूँ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस. इट वॉज लवली डूइंग दिस चैलेंज. नॉट सो लवली एज येलो कलर फूड चैलेंज बट या इट वॉज गुड. सो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप बिकॉज सम हाउ आई मैनेज टू फिनिश दिस चैलेंज एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई लव यू ऑल सो मच. वॉट अदर चैलेंज यू वॉन्ट मी टू डू सो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो एंड सब्सक्राइब इफ यू हैवंट ऑलरेडी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई लव यू ऑल सो मच. Bye.